हाउ टू सेटअप योर लैपटॉप लॉक स्क्रीन। आज के वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है यही मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं और उन्हें अपने लैपटॉप में एक लॉक स्क्रीन सेटअप करना है। तो इन दैट केस यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर जब भी कोई आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं या तो जब भी कोई दूसरा पर्सन आपका लैपटॉप ओपन करता है तो सबसे पहले उसको शो होता है आपका लॉक स्क्रीन कि आपने लॉक स्क्रीन को किस तरीके से सेटअप किया है। और जिसके आज जिस तरीके से आप लॉक स्क्रीन को सेटअप करेंगे उसके बेसिस पे एनालाइज़ किया जाता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। मोस्टली केसेस में एक बिजनेस लाइन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आपको जब भी आप एक नया लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपका काम होना चाहिए आपका लैपटॉप का लॉक स्क्रीन सेटअप करना, बिकॉज इससे लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है। तो लॉक स्क्रीन में तीन चीज़ आता है, पहला आपका प्रोफाइल फ़ोटो, सेकंड आपका यूज़र नेम और थर्ड नंबर पे आपका पासवर्ड। तो ये तीनों यहाँ पर सेटअप करना है तो आपका लॉक स्क्रीन यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। अब किस तरीके से ये करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले लॉक स्क्रीन को सेटअप करने में सबसे पहला आता है प्रोफाइल फ़ोटो को सेट करना। प्रोफाइल फ़ोटो को सेटअप करने के लिए आपको लैपटॉप के सेटिंग में जाना है, उसके बाद अकाउंट ऑप्शन में जाना है। अकाउंट ऑप्शन में जाने के बाद फर्स्ट नंबर पर आपको योर इन्फो का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर फिर आपको प्रोफाइल फ़ोटो सेट और चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे डाउन साइड में आपको कैमरा और ब्राउज फॉर वन यानी कि आप डायरेक्टली कैमरा पे क्लिक करके अपने लाइव फ़ोटो को कैप्चर करके उसे प्रोफाइल फ़ोटो पे सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैन्युअली फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन करके अपने गैलरी में से जाके कोई भी फ़ोटो को यहाँ पे चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। तो बस ये है कि दो मेथड है जहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो को अपडेट करना है, ये इतना सही करना है। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल फ़ोटो सेटअप हो जाएगा। सो लेट्स एक बार चेकआउट कर लेते हैं लॉक स्क्रीन पे। सो यू कैन सी दैट। तो फाइनली प्रोफाइल फ़ोटो अब सेटअप हो चुका। अब बारी है सेकेंड नंबर ऑप्शन की, वो है आपका यूज़र नेम सेटअप करना। यूज़र नेम को चेंज करने सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में कंट्रोल पैनल का एक फ़ीचर है जो आपको फाइंड आउट करना है और फिर उस ऑप्शन में चले जाना है। टॉप राइट में आपको यूज़र अकाउंट्स का ऑप्शन देखेगा, डायरेक्टली आपको चेंज द अकाउंट टाइप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने यूज़र अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज द अकाउंट नेम, डायरेक्टली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना यूज़र नेम सेट और चेंज करने का। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना यूज़र नेम सेट किया, तो बस आपको इस बॉक्स में अपना नाम डाल देना है, फिर उसके बाद चेंज नेम पे क्लिक कर देना। तो उसके बाद चेंज नेम पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पीसी रीस्टार्ट करना होगा, फिर आपका नाम लॉक स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा जस्ट लाइक दिस। फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन है अभी यहाँ पे पासवर्ड को सेटअप करना। तो पासवर्ड को सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप के फिर से वापस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट सेक्शन में जाना है। अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद साइन इन ऑप्शन में जाना है। साइन इन ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको डायरेक्टली पासवर्ड ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आपका नया पासवर्ड है वो आपको टाइप कर देना है। मेक श्योर कि यहाँ पर आप इसी के वर्ड के सिमिलर कोई पासवर्ड रखें जिसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहा जाता है, जिसमें तीनों कीवर्ड्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्टली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और फिनिश, फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड भी सेटअप हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। तो फाइनली यहाँ पर हमने यूज़र नेम भी सेट किया, प्रोफाइल फ़ोटो भी सेट किया और पासवर्ड भी सेट कर दिया। सो यू कैन सी दैट फाइनली हमारा लैपटॉप का जो लॉक स्क्रीन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो बस इसी तरीके से आपको अपने लैपटॉप का लॉक स्क्रीन सेटअप करना है। और That's all about. I hope you like this information. Thanks for watching.